साहब ने आकर के ऐसा कह दिया कि 9-8 दिन में खाली करने का, लेकिन 9वें दिन आके बाद बुलडोजर चला हुआ। जाहिर बात है कानून कानून अब किसी का अकेले का राज तो है नहीं, या अगर आगे का एक जुमला बोले किसी के बाप का राज तो है नहीं कि उनको मनमानी कोई करना चाहे। ऐसा है कि गांव के अंदर लाइन अंडर बिगड़ जाएगा। 9 तारीख को जैसे 9 दिन के बाद आ करके वो जो बोल रहे हैं वो आएंगे होंगे नहीं, और वो आएंगे तो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा मालेगांव के लोगों को लेकर के, देखेंगे वो कैसे तोड़ते हैं। अब बात ऐसी है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, मैंने यही कहना है कि ठीक है पेपर पे, और जैसे अभी रिकॉर्ड में है मैंने भी बोला था बहुत साल पुराने वहाँ पर बस्ती है, तो बात मैंने भी कही थी ठीक लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं जाने। अरे भाई रुको जरा शांति से, बस आपकी बात कंप्लीट होने दो यार तुम। तो मेरा ये कहना है पेपर पे जो रिकॉर्ड है, और फिर भी हम ये मैंने अभी बताया था मंडली के बच्चों साहब को कि ये पूरा लेके फिर कलेक्टर साहब से एक मीटिंग अरेंज करते हैं, कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि एज पर लोक आयुक्त का जो ऑर्डर है और इनका जो रिकॉर्ड है, जैसे भाई ने अभी बताया कि 40 साल से वहाँ पर है, 90 साल से रह रहे हूँ, तो वो सब पेपर हम दिखा के हम भी अपील करेंगे सर, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर वही जगह पे जो किला का जो जगह है वो छोड़ के अगर कहीं एकोमोडेट करते आएगा तो अपन हम रिक्वेस्ट करेंगे, आगे क्या डिसीजन होगा आपको 5 दिन में आपको रिप्लाई देगा चलेगा ठीक। अब आपको जो हमारे पास पेपर है उस पेपर को हम लोग एक कॉपी आपको दे देते हैं, आप भी थोड़ा उसको समझ, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ समझ लेने के बाद इनसे नंबर लूँ गेटिंग पर वो सर। साहब आप जो पेपर मांग रहे अपने मारवाड़ साहब के बाद में मौजूद है अधिकार के जरिए हासिल की, क्या करो तुम्हारे सब सुनो तुम क्या करो अभी अपन 1-2 दिन में अपन फिर से बैठेंगे, साहब है तो साहब को भी ले जाएंगे, नहीं तो मैं साजिद भाई अपन सब बैठेंगे यहाँ जो पेपर्स है जो क्या, क्योंकि क्या अपने को सबमिशन करना है कि बेटर वे सही रास्ता कैसे निकलेगा वो हमको ही सजेशन देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कॉरपोरेशन तैयार है, IHSDP में हमने रिपोर्ट भी भेजा है गवर्नमेंट को परमिशन के लिए भाई वहाँ एकोमोडेट करना था, हम अभी तैयार करके देते, नहीं तो दूसरे वहाँ पर मसला कैसा है ना सर कि जैसे आप जो पर्यायी जगह घर को योजना में देना चाहते हैं वहाँ पर जो बेसिक सुविधा है वो है आपको भी मालूम है सबको मालूम। दूसरी दिक्कत ये है कि इनके तमाम के रोटी रोजी के का जगह जो है सब इधर है, वहाँ से आना जाना एक बहुत बड़ा मसला है, आने जाने में आदमी दिन में 300 रुपया कमाता है, 150 रुपया आने जाने में खर्चा कर देगा तो उसका घर कैसे चलेगा। वही साथ में क्या है अभी सब सबकी भावनाएं समझी है, वही एक रिपोर्ट बना के अपने हिसाब के साथ मीटिंग अरेंज करो, आप भी वो मीटिंग में आएंगे नहीं मैं रहूँगा ना, अभी कैसा है 5 दिन आप बोल रहे हो ना तो 5 दिन से पहले हम लोग कल या वो कल टाइम दे दो आप या कल आ जाते हैं हम लोग थोड़े पेपर के साथ 2-4 लोग आएंगे बैठ करके बात करते हैं। चलो तब तक मैं भी क्या डिटेल्स है अगर आप भी ले लो अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, ये मसला अपने को हल करना है साहब और आपके हाथ से हल होना चाहिए। बात कैसी है कि जो लोग है ये 40-50-60-70-80 साल से बच्चे बसे हुए हैं, अभी किले के अंदर स्कूल चल रही है, बांध काम परमिशन वहाँ दिया जा रहा है, अभी कॉरपोरेशन की तरफ से ये बात सुनाई दे रही है के बाहर हम बांध काम मंजूरी नहीं दे सकते, तुम किले के अंदर मंजूरी दे रहे हो तो बाहर कैसे नहीं दे सकते, दे सकते लेकिन अगर अपनी तरफ से ऐसा जवाब जाता है कि भाई हम बांध का NOC नहीं दे सकते तो यह अन्याय। तो ये सारी बातें हैं पेपर के साथ अपने बैठते हैं कल बैठ करके कुछ ना कुछ 4-5 लोग आप खुला लो हाँ हाँ